इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर है सहरसा जिले के शोरबाजार थाना क्षेत्र के, जहां सुहत गांव के वार्ड नंबर 15 टेमा टोला सीहर से गांव निवासी एक विधवा महिला अपर्णा देवी शोरबाजार थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। लिखित आवेदन में बताया गया कि मेरे पति आशुतोष मिश्र की मौत लंबी बीमारी के बाद साल 2022 को हो गई, जिसके बाद से मेरे ससुर मणिकांत मिश्र, सास सुगंधा देवी, भैंसुर संतोष मिश्र, गौतमी बन्ना देवी सभी मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यहां तक कि मेरे दो पुत्र को अपने कब्जे में लेकर मेरे विरोध में उकसाते रहते हैं। ये लोग मेरे हिस्से की जमीन को हड़पने के लिए मेरे साथ हमेशा मारपीट करते रहते हैं, जिससे ससुराल में रहना मुश्किल हो गया। मामले को लेकर शोरबाजार थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, जाँच कर दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या मैटर है जो आप थाना आए हुए? मेरे बच्चे को तो पटका ही दिया, हमको भी जान से मारने चाहता है। मतलब आपको क्या परेशानी है जो आवेदन दिया थाना में? हमको घर से निकाला गया। घर से निकाल, कहाँ है घर आपका? सिरही। के के निकाला है? सास ससुर, सास ससुर गोतनी सब। क्यों निकाला है घर से? यही जो पैसे उसे के बारे में जो हम पूछ रहे थे, इसीलिए। मेरा पति का पैसे कहाँ है? अच्छा, आपका पति कहाँ है अभी? नहीं, मर गया। अच्छा, वो पति, आपके पति का देहांत हो गया? हाँ। उसके बाद आपके बाकी घर वाले जो है मारपीट कर रहा है? हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका? अर्पणा देवी। तो आप क्या चाहते हैं? हम घर में चाहते हैं यही जो हमको रखे ये करने सही से, और हम क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। दोनों बच्चे कहाँ है अभी? बच्चे तो घर पे हैं। अच्छा, तो क्या है आपके सास ससुर जो आपको मार धमकी देता है जान से मारने का? मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, कई बार मारपीट किया गया है आपके साथ वो लोग? कई बार मारपीट किया? तो हमको तो शुरू से, जब से शादी हुआ तब ये से कर रहे हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, हम तो बंद कर दिए, चलो भाई ऐसे ही होता है पारिवारिक, अब तो ऐसे ही सीरियस होने लगा धीरे धीरे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।